हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कल रात को हम लोग बरसाना से सोलन आ चुके हैं। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था, थक गए थे, इसीलिए मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो सोलन जो है ये बहुत खूबसूरत सिटी है हिमाचल प्रदेश की, और ये यहाँ के मंदिरों और मोनास्ट्रीज़ के लिए काफ़ी फेमस भी है। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत प्लेस को एक्सप्लोर करने। तो आइए आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी का हिस्सा बनिए और घर में बैठे बैठे इस ब्यूटीफुल एरिया को एक्सप्लोर कीजिए। आज मैं आपको लेके चलूँगी हिमालय की गोद में बसे हुए एक बहुत ही भव्य मंदिर को दिखाने, और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने मेन रोड से कट ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं एकदम फुट हिल वाली तरफ, एकदम पहाड़ी की नीचे वाली तरफ। और आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी ज़्यादा नैरो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। आसपास में बड़े बड़े खूबसूरत से पहाड़ हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ग्रीनरी आप देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर और एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो चलिए सबसे पहले कार को पार्क कर लेते हैं और उसके बाद में इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पे कार पार्क कर ली है। आप देख सकते हैं आसपास में काफ़ी सारी कार्स ऑलरेडी पार्क्ड हैं, लेकिन फिर भी ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं है, और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। आप देख सकते होंगे मैंने यहाँ पर कोट पहना हुआ है। वृंदावन में हम थे, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब यहाँ पर आए हैं हम लोग हिमालय की गोद में, तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बड़ा औसम है यहाँ का। और आसपास का आप व्यू देखिए, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं यहाँ के। तो ये यहाँ का एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के दोनों तरफ इस तरह से जो लायन हैं, जो शेर हैं, उनके स्टैचूज बने हुए हैं। और यहाँ से अंदर की तरफ जाना है, एक साइड पे पार्क है और ऊपर वाली तरफ यहाँ पे मंदिर है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का हेरिटेज पार्क और यहाँ का टेम्पल भी। ये जो हेरिटेज पार्क है, इसे कपिल मोहन द्वारा बनवाया गया था, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे और साथ ही वो पद्मश्री से सम्मानित भी थे। ये हेरिटेज पार्क बनाने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा हुआ था, और इस पार्क का इनॉग्रेशन 1 दिसंबर 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया था। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत ही सुंदर गार्डन और एक बहुत ही भव्य माता का मंदिर भी है। और ये जो मंदिर है, ये हिमाचल घाटी और हिमालय की फुट हिल्स के सीनिक व्यूज़ के साथ एक पहाड़ी पर स्थित है, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है आसपास के एरिया का। इस मंदिर में रामायण और महाभारत काल का आर्टवर्क देखने को मिलता है। देख सकते हैं सामने बहुत खूबसूरत सी एक प्रतिमा है शिवजी भगवान की। इसके अलावा यहाँ पर हाथी, शेर, बाघ, मोर, डॉल्फिन, इन सब की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है ये, और ऊपर वाली तरफ आप जो देख रहे हैं ये मंदिर का हिस्सा है। एक साइड पे ये खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है और दूसरी साइड पे यहाँ पे मंदिर बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सामने मंदिर है, मैं अभी आपको ये जूम करके थोड़ा क्लियर दिखाने की कोशिश करती हूँ। मंदिर की दोनों साइड्स पे ओम के सिंबल हैं और टॉप पे इसमें सात घोड़ों के रथ पे सवार सूर्य देव की प्रतिमा बनी हुई है। तो बहुत सुंदर मंदिर है और गार्डन भी बहुत प्यारा है। आप देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी अच्छी है यहाँ पर। और ये जो नीचे आप छोटी सी पतली सी रिवर देख पा रहे होंगे, दिस इज़ द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन सोलन। पूरी जो सोलन सिटी है उसे वाटर की सप्लाई यहीं से दी जाती है। चलिए सबसे पहले क्लॉक रूम में चलते हैं, शूज़ खोल देते हैं और उसके बाद मंदिर में अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर जाते हुए दोनों साइड्स पे यहाँ पे जैसे इंद्रदेव की प्रतिमा बनी हुई है, ये कोई ब्राह्मण देव हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये ऊपर से देखिए नीचे का व्यू कितना अच्छा आ रहा है। सामने पार्क है, पार्क के दूसरी तरफ एकदम पास में पहाड़ी है यहाँ पर, और बहुत ही खूबसूरत व्यू, एकदम क्लीन और ग्रीन व्यू आ रहा है यहाँ से।
और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है। और ये देखिए, ये है सूर्य देवता का चैरियट और यहाँ पे कुछ क्लीनिंग का काम चल रहा है। वैसे ही बहुत साफ़ सुथरा मंदिर है और पार्क भी बहुत क्लीन है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ी पे, ये देखिए शिवजी भगवान और पार्वती माता की एक बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है और दूसरी तरफ यहाँ पे दुर्गा माता की भी बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित की हुई है। ये सामने आप देख पा रहे होंगे भगवान नरसिंह वध करते हुए हिरण्यकश्यप का। और ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन मंदिर के अंदर मोबाइल लेना अलाउड नहीं है, तो मैं मंदिर के अंदर का जो वीडियो है वो आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अंदर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मंदिर है और जो माता हैं, माता के कई सारे रूप हैं वहाँ पे, उनके दर्शन करने को मिलते हैं। और ये देखिए, ये मंदिर से निकल के हम पार्क के दूसरी वाली तरफ गए हैं, तो यहाँ पे तारा माता हैं और पीछे जो पार्क है इसमें इसी तरह से हाथी, शेर, घोड़े, पिकॉक वगैरह की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ ऊपर जहाँ शिवजी भगवान और पार्वती माता का स्टैचू है या जहाँ पे दुर्गा माता का स्टैचू है वहाँ भी जाते हैं, लेकिन हम लोगों का वहाँ जाने का अभी कोई प्लान नहीं है। तो आज का जो हमारा विज़िट था वो बहुत अच्छा रहा। यहाँ का जो वेदर है इसे हमने बहुत इन्जॉय किया, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करवाए और बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ के वेदर को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूँगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, किसी और लोकेशन पे, किसी और प्लेस को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।